नमस्कार दोस्तों, आरडी टोन मेकिंग में आपका स्वागत है। आज हम लेके आया है यामाहा i400 कीबोर्ड का बॉलीवुड बैंजो। यामाहा i400 कीबोर्ड का बॉलीवुड बैंजो कैसे मॉडिफाई करते हैं दोस्तों, आइए आज हम सिखाते हैं। मैं धीरे धीरे बोलूँगा, आप लोग ठीक मेरा वीडियो शुरू से एंडिंग तक टोटल वीडियो फॉलो कीजिए और धीरे धीरे आराम से टोन बनाइए। एकदम जैसा टोन बजेगा सेम टू सेम ऐसा ही आपको टोन मिलेगा यामाहा i400 कीबोर्ड पर। तो ध्यान से वीडियो देखिए और पैरामीटर मेरा वीडियो देख के सेम टू सेम प्रोसेसिंग कीजिए। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो यामाहा i400 कीबोर्ड का बॉलीवुड बैंजो। ये एक्सपीरियंस टेन जैसा नहीं होगा, मैं पहले बोल देता हूँ एक्सपीरियंस टेन जैसा बैंजो नहीं होगा, लेकिन इस कीबोर्ड का जो बजट है, इस कीबोर्ड का जो प्राइस है, इस प्राइस के हिसाब से जो बॉलीवुड बैंजो आपको मिलेगा ख़राब नहीं है, अच्छा ही लगेगा। तो सुन लीजिए पहले टोन, उसके बाद इसका पैरामीटर हम बताते हैं। और लेफ्ट साइड पर कॉर्डिंग किया हुआ है, ये देखिए मेरा कॉर्डिंग चल रहा है लेफ्ट साइड पर। मेरा वीडियो जूम किया हुआ है इसीलिए लेफ्ट साइड पर दिखाई नहीं देगा, लेकिन सेम टू सेम प्रोसेसिंग हम बताएंगे। सेम टू सेम कीजिए, जैसे मैं बताऊंगा सेम टू सेम ऐसे ही प्रोसेसिंग कीजिए, आपको सेम टू सेम ऐसा ही कॉर्डिंग और टोन मिलेगा। ओके देखिए, ये देखिए कितना मीठा बैंजो आपको मिलेगा यामाहा i400 कीबोर्ड पर। तो चलिए दोस्तों, इस टोन को कैसे मॉडिफाई करते हैं आइए आज हम सिखाते हैं। सबसे पहले वॉइस बटन को प्रेस कीजिए और आपको टोन लाना है यामाहा i400 कीबोर्ड का गिटारस्ट जो टोन है 265, उस टोन को लाइए। उसके बाद फंक्शन बटन जो है इस बटन को प्रेस कीजिए और इधर देखिए कैटेगरी प्लस बटन, कैटेगरी माइनस बटन। तो कैटेगरी प्लस बटन से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आप लोग भी ऐसे कीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे कीजिए, कैटेगरी प्लस कीजिए और ट्रांसपोज जहाँ पर लिखा है, ये देखिए ट्रांसपोज लिखा आ गया। ट्रांसपोज से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ट्रांसपोज रख दीजिए 00, फिर आगे बढ़िए कैटेगरी प्लस बटन दबा के। ट्यूनिंग 440, फिर कैटेगरी प्लस बटन दबाइए। इंपीडेंस 02, फिर कैटेगरी प्लस बटन। स्प्लिट पॉइंट पे आप रख दीजिए 053। कैसे मिलाएंगे आप, ऐसे भी मिला सकते हैं प्लस माइनस करके और ऐसे भी आप मिला सकते हैं। ओके, फिर कैटेगरी प्लस बटन दबाइए। टच रेंज आ जाइए, मैंने मीडियम रखा है कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से रख दीजिए। माइनस कीजिए सॉफ्ट है, प्लस कीजिए मीडियम है, हार्ड है और टच ऑफ भी है। जो जो म्यूजिशियन भाई लोग टच में बजाने से प्रॉब्लम होता है, आप लोग इधर से टच रेंज पर आके नंबर 4 पे रख दीजिए, आपका कीबोर्ड का टच कट जाएगा। ओके, तो फिलहाल हमको थोड़ा सा टच चाहिए तो मैंने
मेरा हिसाब से मैंने मीडियम टच रखा है, आप अपना हिसाब से रख सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी प्लस बटन दबाइए। एम वॉल्यूम यानी मास्टर वॉल्यूम, मास्टर वॉल्यूम आप रख दीजिए 115, 115 नंबर, 115 इसका वॉल्यूम रख दीजिए लेवल। ओके, कैसे मिलाएंगे आप? ऐसे भी नंबर लेवल मिला सकते हैं और ऐसे भी नंबर मिला सकते हैं। जो भी आपको नंबर मिलाना है प्लस माइनस या इसको घुमा के आप मिला सकते हैं। ये देखिए माइनस प्लस हो रहा है 115, ये देखिए इधर भी चेंज हो जाता है। ओके, फिर कैटेगरी प्लस बटन दबाइए, आगे बढ़ते हैं। एम ऑक्टेव 0, कैटेगरी प्लस बटन दबाइए। एम पैड सी रख दीजिए, कैटेगरी प्लस बटन दबाइए। एम रिवर्ब 050, ये देखिए लेवल ऐसे मिलाना है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, फिर कैटेगरी प्लस बटन दबाइए। एम कोरस 028, ऐसे मिलाइए, इधर से भी मिला सकते हैं। ओके, फिर कैटेगरी प्लस बटन दबाइए, आगे बढ़ते हैं। एम अटैक 064 रख दीजिए, कैटेगरी प्लस बटन दबाइए। एम रिलीज 070, लेवल ऐसे मिलाना है, अब ऐसे भी मिला सकते हैं। मैं बार बार दिखा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर कैटेगरी प्लस बटन दबाइए और आगे बढ़ते हैं। एम कट ऑफ 070, ऐसे लेवल मिलाना है। फिर कैटेगरी प्लस बटन दबाइए। एम रेजो 060, ऐसे मिलाइए। फिर कैटेगरी प्लस बटन। डी वॉयस यानी डुएल वॉयस, एक टोन के साथ दूसरा टोन जब हम लोग लेयर करते हैं तो हम लोग बोलते हैं डुएल, यानी दो टोन एक साथ में पंचिंग। ओके, तो डुएल तो वॉयस पे आइए, और डुएल वॉयस आपको रखना है 250 के 122, 122 नंबर, उस टोन को लाइए, यामाहा i400 कीबोर्ड का। उसके बाद फिर फंक्शन बटन, सॉरी कैटेगरी बटन से आगे बढ़िए, कैटेगरी प्लस बटन से आगे बढ़िए, और आप लेवल इसका रख दीजिए 090, ऐसे। ओके, फिर कैटेगरी प्लस बटन दबाइए, आगे बढ़ते हैं। डी ऑक्टेव -1, ये देखिए ऐसे ज़ीरो रहेगा, ऐसे आपको -1 करना है दोस्तों। फिर कैटेगरी प्लस बटन दबाइए। डी पैन सी, फिर कैटेगरी प्लस बटन दबाइए। डी रिवर्ब 050, लेवल ऐसे मिलाइए। फिर कैटेगरी प्लस बटन दबाइए। डी कोरस 028, ये देखिए ऐसे मिलाइए। ओके, फिर कैटेगरी प्लस बटन दबाइए। डी अटैक 064, कैटेगरी प्लस बटन दबाइए। डी रिलीज 070, ऐसे 070 मिलाइए, कैटेगरी प्लस बटन दबाइए। डी कट ऑफ 060, ऐसे मिलाइए, कैटेगरी प्लस। डी रेजो 065, ऐसे मिलाइए, कैटेगरी प्लस। एस वॉयस यानी स्प्लिट वॉयस, इसमें मैंने रखा है बेल शोर 669। स्प्लिट वॉयस पर आप अपना हिसाब से टोन रख सकते हैं, या वाइब्रोफोन, चाहे कोई वाइब्रोफोन हो, स्ट्रिंग्स हो, या बेल हो, या गिटार टोन हो, वो अपना हिसाब से आप टोन रख सकते हैं। यही मैं दिखा रहा हूँ कैसे स्प्लिट पर टोन रखता है। स्प्लिट वॉयस पर आइए और अपना मर्जी से अपना हिसाब से टोन रख दीजिए, नंबर लाइए, बेल, गिटार, स्ट्रिंग्स या वाइब्रोफोन कोई भी टोन आप लाइए स्प्लिट वॉयस पर, जैसे मैंने रखा है बेल शोर 669। उसके बाद फिर कैटेगरी प्लस बटन से आगे बढ़िए धीरे धीरे। स्प्लिट लेवल यानी लेफ्ट साइड का, लेफ्ट साइड पर जो कॉर्डिंग के लिए है, ये कॉर्डिंग का लेवल है। स्प्लिट वॉल्यूम आप रख दीजिए, अपना हिसाब से रख दीजिए, आपका जो टोन का लेवल है
आपका टोन का लेवल से अपने हिसाब से रख दीजिए। मैंने रखा है 050, लेवल ऐसे मिलाना है 050। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं जान पाऊँगा आपका टोन का लेवल क्या क्या है, कितना नंबर पर कितना गेंद दे चुके हैं आप। इसलिए आप अपना हिसाब से स्पीड लेवल यानी कॉर्डिंग का लेवल आप अपना हिसाब से रख दीजिए। ओके, फिर कैटेगरी प्लस बटन से आगे बढ़िए। एस ऑक्टेव प्लस वन, ऐसे जीरो रहेगा ऐसे प्लस वन कीजिए। फिर कैटेगरी प्लस बटन दबाइए। एस पैन सी, फिर कैटेगरी प्लस बटन दबाइए। एस रिवर्ब 020, ऐसे मिलाइए कैटेगरी प्लस। एस कोरस 000, कैटेगरी प्लस। रिवर्ब आप रख दीजिए हॉल 303 नंबर। कैसे लाएंगे? माइनस बटन दबाइए धीरे धीरे, ये देखिए। प्लस बटन दबाइए 2 3, ये देखिए हॉल 3 हो गया। ओके, फिर कैटेगरी प्लस बटन दबाइए। कोरस आप रख दीजिए कोरस टू रख दीजिए। कैसे लाएंगे? ये देखिए चेंज होगा, माइनस प्लस बटन से आगे बढ़िए कोरस टू। और भी ऑप्शन है, फ्लेंजर है, फ्लेंजर टू है, ऑफ भी है, हमको टू रखना है कोरस टू। ये देखिए कोरस टू आ गया। फिर कैटेगरी प्लस बटन दबाइए, आगे बढ़ते हैं। मास्टर इक्वलाइजर, मैंने फ़ोन नंबर रखा है बूस्ट। इधर और भी ऑप्शन है, एक नंबर स्पीकर, इंडिया, हेडफोन, फ़ोन नंबर बूस्ट। इस फ़ोन नंबर पर रखने से एक प्लस पॉइंट है, आपका जो कीबोर्ड का जो टोन है वो डेप्थ भी ज़्यादा मिलेगा और गेन भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, इसीलिए मैंने ये फ़ोन नंबर यूज़ करता हूँ और आप लोगों को भी ये टोन शेयर किया। ओके, तो फिर कैटेगरी प्लस बटन दबाइए। वाइट ऑफ रख दीजिए। हारमोनी टाइप आपको रखना है इको 16 नंबर 21। कैसे लाएंगे? आप इधर से भी रख सकते हैं 21, ये 21 आ गया, 6 नंबर इको 6 रख दीजिए। और इधर से भी रख सकते हैं प्लस माइनस करके। ओके, 21 6 नंबर इको। फिर कैटेगरी प्लस बटन दबा के आगे बढ़िए। इसका लेवल आपको रखना है 088 रख दीजिए, 088 इसका लेवल रख दीजिए। फिर कैटेगरी प्लस बटन दबा के आगे बढ़िए। इधर में और कुछ ऑप्शन नहीं है, फंक्शन का अंदर जो सेटिंग्स था वो आप अंदर से कर चुके हैं। सिर्फ आपको बाहर में कुछ स्विच आपको ऑन करना है। क्या क्या स्विच? इधर डिस्प्ले में आराम से देखिए, स्प्लिट, डुअल और हारमोनी, ये तीनों बटन मेरा ऑन है। आपको कहाँ से और कहाँ से ऑन करना है, क्या क्या? स्प्लिट, डुअल और हारमोनी बटन, इधर देखिए, स्प्लिट बटन, डुअल बटन और हारमोनी बटन, 1 2 3, ये तीनों बटन को प्रेस करके ऑन करना है। इधर मेरा तीनों बटन ऑन है, नहीं तो आपका टोन का जो फ्लेवर है नहीं आएगा। बाद में हमको SMS करेंगे, सर जी ये धोखेबाज है, ये ऐसा है, ये टोन नहीं आ रहा है। तो पहले आराम से समझिए और टोन देखिए। मैं 100% बोलता हूँ, जैसे मैंने आपको टोन सुनाया, जैसा टोन आपको सुनाया, सेम टू सेम ऐसा ही टोन होगा। लेकिन आपका पैरामीटर ठीक से वीडियो देखिए और ठीक से मिलाइए। पहले हमको एक दोस्त लोग कमेंट्स किया, बहुत ख़राब लगा है। उन्होंने बोला है सब को बाजे लैंग्वेज यूज़ किया, मैं बोलने के लिए बाध्य हो रहा हूँ, बहुत ख़राब लगा हमको। एक आदमी ने हमको कमेंट्स किया, आप देख चुके हैं, यामा 500 कीबोर्ड पर मैंने एक बेंजो बनाया था, इतना सारा म्यूजिशियन भाई लोग मेरा वीडियो देख के वीडियो बनाया, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा लैंग्वेज कोई यूज़ नहीं किया। हमको बहुत दुख लगा है, इसलिए मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले आप आराम से वीडियो देखिए। अंदर का जो फंक्शन का सेटिंग्स मैंने बोला है सेम टू सेम ऐसे ही कीजिए। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ हमको कमेंट्स कीजिए, मैं आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। कृपया हमको उल्टा सीधा गाली मत दीजिए, क्योंकि हमको बहुत दुख लगता है। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके मीठा मीठा टोन बना रहा हूँ, कोई दुग्गीबाजी, कोई चालबाजी, कोई चीटिंगबाजी, कोई ऐसा कोई
हम डुप्लीकेट टोन नहीं काम करते हैं, ये आरडी टोन मेकिंग है। मैं मेहनत करके टोन बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का भी सेम टू सेम ऐसा ही टोन मिले और ऐसा ही टोन आप लोग इन्जॉय कीजिए। ओके, तो जब फंक्शन का सेटिंग्स हो जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, प्लीज़ इधर से 1 2 3 स्प्लिट बटन, डुअल बटन और हारमोनी बटन, इधर देखिए, इधर स्प्लिट बटन है, इधर डुअल बटन है, इधर हारमोनी बटन है, ये तीनों बटन को प्रेस करके ऑन कर देना है। और देखिएगा इधर तीनों बटन ऑन है कि नहीं, तो आपका टोन फ्लेवर नहीं आएगा, सेम टू सेम नहीं आएगा। ओके, तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये देखिए मेरा टोन, इधर लेफ्ट साइड पर कॉर्ड है और इधर देखिए राइट साइड पर मेरा बैंजो है। सेम टू सेम ऐसा ही बैंजो आपको मिलेगा। इसका जो प्राइस है, इस कीबोर्ड का जो प्राइस है, प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा बैंजो आपको मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों का भी ये बैंजो सेम टू सेम बने और आराम से आपका टोन, यामा i400 कीबोर्ड का टोन इन्जॉय कीजिए। ओके दोस्तों, तो इस टोन को, टोन तो रेडी हो गया, पहले इसको सेव करते हैं। सेव कैसे करेंगे, इधर देख लीजिए, आराम से प्यार से देखिए, धीरे धीरे देखिए, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। इधर देखिए रजिस्ट्रेशन, ये मेमोरी बैंक लिखा हुआ एक बटन है। जब टोन रेडी हो जाएगा, आपका पैरामीटर सारा का सारा सेटिंग्स हो जाएगा, इधर बैंक बटन को एक बार ऐसे दबाइए। और कहाँ पे आपको सेव करना है ये आपका मर्जी है, मैं नहीं जान पाऊँगा, मैं नहीं बोल पाऊँगा आपका कौन सी बैंक पर क्या टोन रखे हैं। तो मैं दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, इधर जब बैंक बटन दबाएंगे तो ऐसे बैंक लिखा हुआ आपको बैंकिंग नंबर दिखाएगा। तो पहले बैंक सिलेक्ट कीजिए, कहाँ पे आपको सेव करना है, ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये 8 बैंक है। पार बैंक पर आप 1 2 3 4 टोन रख सकते हैं, यानी 8, तो 32 टोन आप इस कीबोर्ड पर बैंकिंग कर सकते हैं, सेव रख सकते हैं टोन। ओके, तो जैसे मान लीजिए हमको 4 नंबर का एक नंबर में ये टोन सेव करना है, तो इधर से बैंक चेंज करते करते आप परफॉर्मेंस करने के लिए प्रॉब्लम होता है, इधर 1 से 8 तक जाने के लिए ऐसे घुमाना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, सीधा इधर आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इधर से बैंकिंग, जो बैंकिंग नंबर है, अब इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। क्या करेंगे, डायरेक्ट दबा दीजिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, सीधा आसानी से आप बैंक चेंज कर सकते हैं इधर से, यही आपका सुविधा होगा। तो जैसे मान लीजिए हमको फ़ोन नंबर बैंक का एक नंबर में ये टोन सेव करना है, डायरेक्टली फ़ोन नंबर दबा दीजिए, आपका बैंक नंबर 4 आ गया। और कहाँ पे सेव करना है, फ़ोन नंबर बैंक का एक नंबर में सेव करना है, आप किसी भी जगह पे भी ये टोन सेव कर सकते हैं, दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। तो सीधा ये बैंक बटन दबाइए, सॉरी बैंक बटन को ऐसे होल्ड कीजिए ऐसे, और कहाँ पे आपको सेव करना है मैं दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे फ़ोन नंबर का एक नंबर में सेव करूँगा, जहाँ पे आपको सेव करना है 1 से 4 में से किसी भी जगह पे भी ऐसे दबा दीजिए, ये मेरा टोन फ़ोन नंबर बैंक का एक नंबर में सेव हो रहा है। आप अपना हिसाब से टोन सेव कर लीजिए, ये देखिए नंबर 4 बैंक एक नंबर दबाया, 4 बैंक का एक नंबर, ये देखिए मेरा टोन। सेम टू सेम ऐसे ही कीजिए, सेम टू सेम ऐसा ही बैंजो आपको मिलेगा, जैसे मैंने बोला है, सेम टू सेम ऐसे ही प्रोसेसिंग आप लोग कीजिए घर पे। ओके दोस्तों, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।